आज हम बात कर रहे हैं मूली को लेकर। मूली जिसको ना समझे मामूली, मूली बहुत उत्तम है। मूली जब सीजन आता है तो आपको खूब इसका प्रयोग करना चाहिए अपने खाने में। इसको कच्चे फॉर्म में, आप सलाद के फॉर्म में इसको प्रयोग करें। सलाद में आपको कैसे मूली लेनी है ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सलाद के लिए मूली लेना चाहते हैं जो कच्चे फॉर्म में आप खाएंगे खाने के साथ, तो आपको छोटे साइज की मूली लेनी है। जो बड़े साइज की मूली होती है वो वायुकारक हो जाती है, कई बार पेट दर्द और वात को बढ़ा देती है। तो मूली हमेशा सलाद में कच्चे फॉर्म में जब खाएं तो छोटे साइज की लें, और जो बड़ी मूली है उसको आप उबाल कर पका कर सब्जी के फॉर्म में खा सकते हैं। मूली कई तरह से प्रयोग में लाने से उसके अलग अलग लाभ होते हैं। मूली का जूस निकाल कर भी आप ले सकते हैं। यदि आपको पथरी की समस्या है, बार बार पथरी होती है, तो आप मूली सलाद के फॉर्म में खाएं। और यदि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो मूली के पत्ते आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो पत्तों को भी आप खाने में जरूर प्रयोग करें, उसको फेंके नहीं। जब मूली की सब्जी बनाते हैं तो मूली और उसके पत्तों को मिलाकर आप सब्जी बनाएं। मूली का प्रयोग जो है गैस की समस्या में, पित्त की समस्या में, पेट के जो रोग रहते हैं, जिनका पेट कमजोर होता है, बार बार जो है पेट की समस्याएं आपको घेरे रहती हैं, तो मूली आप खूब खाएं जब सीजन आता है। लेकिन मूली के लिए एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, मूली कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। खाली पेट मूली कई बार आपको इतना ज्यादा पेट दर्द उत्पन्न कर देती है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होने पड़ सकता है। तो मूली खाने में जब आप खाएं तो खाने के मध्य में खाएं या खाना खाने के बाद आप उसका प्रयोग करें। तो खाली पेट मूली नहीं खानी चाहिए, ये प्रयोगात्मक है। हमने कई बार बहुत सारे लोगों पर इसके प्रयोग देखे हैं कि ये बहुत ही नुकसानकारी हो जाती है। तो खाली पेट मूली का सेवन ना करें। आप खाने के साथ और खाने के बाद आप मूली का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में आपके कम से कम 100 रोगों को मूली अकेली ठीक कर देती है। तो मूली का प्रयोग आपके लिए बहुत उत्तम है। तो सीजन आ चुका है, इन सर्दियों में आप खूब मूली खाएं, मूली की सब्जी बनाकर खाएं, मूली के पराठे बनाकर खाएं, किसी भी फॉर्म में आप मूली का जरूर प्रयोग करें। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अलग अलग विषयों को लेकर हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप जुड़े रहिए। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं।